नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव के दौरान खटीमा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा। अपने इस फैसले से नाराज खटीमा की जनता से शारदा नदी में सांकेतिक जल समाधि ले ली। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड की चंपावत सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट पर बीजेपी ने राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीएम धामी को इस बार राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ने शिकस्त दी, लेकिन चुनाव के एक दो महीने के बाद अब खटीमा के सैकड़ों लोग सीएम की हार के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं और उन्होंने शारदा नदी के 22 पुलों में सांकेतिक प्रायश्चित जल समाधि ली। लोगों का कहना है कि सीएम के हार के लिए वो खुद जिम्मेदार है। दरअसल खटीमा की जनता सीएम पुष्कर सिंह धामी की हार के लिए खुद को दोषी मान रही है, क्योंकि सीएम धामी अब चंपावत से चुनाव लड़े हैं। हालांकि सीएम धामी का घर खटीमा में ही है, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर सीएम धामी चुनाव जीतते हैं तो शहर का विकास भी होता और राज्य सरकार पर एक उपचुनाव के खर्च का बोझ नहीं पड़ता। जिसके बाद खटीमा में सैकड़ों महिला पुरुष ने प्रतीकात्मक जल समाधि लेकर प्रायश्चित किया। खटीमा में सीएम धामी की अप्रत्याशित हार के बाद बीजेपी आलाकमान भी आश्चर्यचकित था और इसके बाद उनकी हार के लिए जांच भी कराई गई, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि सीएम धामी को हराने के लिए पार्टी ने कुछ नेताओं ने भीतरघात किया, जिसके कारण सीएम धामी को हार का सामना करना पड़ा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हार के कारण अब खटीमा ने सीएम सिटी का दर्जा खो दिया। सीएम धामी चंपावत से चुनाव लड़े हैं, जिसके बाद लोगों को लग रहा है कि खटीमा में होने वाले विकास काम अब चंपावत शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि सीएम धामी पहले ही कह चुके हैं कि खटीमा उनका घर है और वहां की जनता को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जिसके बाद अब खटीमा के सीमांत गांव मेलाघाट, सिसैया, बंधा, बगुलिया, बलुआ, खेरानी, खेलड़िया, झापरसा के सैकड़ों महिला पुरुष ने जल समाधि लेकर प्रायश्चित किया। जानकारी के मुताबिक खटीमा के सैकड़ों लोग शारदा नदी पर पहुंचे और वहां सांकेतिक तौर पर जल समाधि ली। जब इस बात की जानकारी धामी को पता चली तो उन्होंने फोन कर लोगों से बातचीत की और वो कहा कि उन खटीमा के बेटे हैं और उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, वो जनता की सेवा करते रहेंगे। सीएम धामी ने प्रायश्चित कर रहे लोगों से इसे खत्म करने का अनुरोध किया, जिसके बाद लोग नदी से बाहर आए। बहरहाल जनता अपने फैसले से बेहद ही दुखी है। हालांकि सीएम ने उनको भरोसा दिलाया है कि वो खटीमा के बेटे हैं और उनके मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष नहीं है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।